नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज हम आ पहुंचे हैं मी होम के शोरूम में, जहां पे मैं देखने वाला हूं कि K20 Pro और K20 फ़ोन अवेलेबल हैं। तो ये फ़ोन मैंने देखे थे कि अवेलेबल हैं सेल के लिए, और इनका मुझे चेक करना था कि बेसिकली कैमरा इसके अंदर, K20 के अंदर आपको 730 प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, यानी कि 48, 5 और 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। बेसिकली मुझे ये चेक करना था कि जो इमेज हम इससे क्लिक करते हैं वो कितनी देर में प्रोसेस होती है। जैसे कि नोट 7 प्रो में था कि आपका जो इमेज है वो लगभग 5 या 6 सेकंड ले रहा था प्रोसेस होने में, लेकिन इन दोनों फ़ोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, K20 में थोड़ा सा लेट होता है, यानी कि 2 सेकंड हो सकता है, लेकिन K20 Pro में आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता है। बस आपको थोड़ी सी फ़ोन को स्टेबल रखना पड़ता है, आपकी जो इमेज है वो जल्दी क्लिक हो जाती है और काफ़ी अच्छी इमेज आती है उसके बदल। और अगर हम बात करें इसके अंदर बैटरी की, तो बैटरी आपको 4000 mAh की मिल जाती है और प्राइस इसकी 22,000 रुपये है। अगर हम बात करें K20 Pro की, तो उसके आपको पे करने होंगे कुछ 28,000 रुपये, जिसके अंदर 855 का प्रोसेसर मिल जाता है। और मैं एक और चीज़ जो यहाँ पे चेक करने आया हूँ वो है इसका स्लो मोशन। 10x जूम के साथ कैमरा आता है, लेकिन आप 48 मेगापिक्सल पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, खाली आप फोटो क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड भी आप 48 मेगापिक्सल पे नहीं क्लिक कर सकते हो, नाइट मोड भी अलग दिया हुआ है। और बेसिकली मैं स्लो मोशन शूट करने आया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे नोट 5 प्रो की है, जो कि 40:240 FPS पर रिकॉर्ड है। हाँ, और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको K20 Pro की वीडियो। ये मैंने प्ले कर दिया। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड की वीडियो बना सकते हो 960 FPS पे। अगर आप 960 FPS को चेंज करके किसी और मोड पे ला दो, जैसे कि 460 या 240 पे, तो उसका टाइम है वो बढ़ जाता है। ये है इसकी जो वीडियो है 960 FPS पे, और काफ़ी अच्छा स्लो मोशन है और मुझे काफ़ी पसंद आया है स्लो मोशन। फ़ोन की बात करें तो लुक्स काफ़ी अच्छी हैं फ़ोन की, और काफ़ी प्रीमियम लगता है फ़ोन, लेकिन थोड़े बहुत जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ज़रूर नज़र आते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे थोड़ा लगा कि इसमें थोड़ी कमी है, कि फिंगरप्रिंट्स यार इतने नहीं आने चाहिए थे, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि गंदा हो जाता फ़ोन। लेकिन आप कवर लगाएंगे और स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगाएंगे और बार बार ज़रूर पूछेंगे जब इतना महंगा फ़ोन लेंगे। तो स्पेक्स की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 5 मिल जाता है इसके अंदर, और 6GB और 64GB आपको K20 Pro मिलता है कुछ 22,000 रुपये का। जबकि अगर हम दूसरे वाले फ़ोन की K20 Pro की बात करें तो वो भी आपको 6GB और 128GB वेरिएंट आपको मिल जाता है कुछ 28,000 रुपये का। कीमत की अगर बात करें तो यार कीमत काफ़ी हाई रखी गई है, जैसा एक्सपेक्ट हम करते थे Redmi से अब तक की कीमत वाले फ़ोन होंगे। अगर आप बात करेंगे पोको F1 की, तो आप देखेंगे कि पोको F1 कुछ 19,000 रुपये का आता है और 845 प्रोसेसर के आता है, साथ आता है, जबकि K20 खाली वो है कुछ 22,000 रुपये का फ़ोन। तो मुझे लगता है कि कीमत काफ़ी हाई रखी गई, जिसकी वजह से इसके सेल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ये फ़ोन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लेना है तो किसी मी होम में जाकर ले सकते हैं, अगर आपको लेना है वाकई में तो आप ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल कैसी लगी ये वीडियो आप लाइक और शेयर करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डब्बा खोल को।